दरगाह रोज तो नदी सुनिए आप दरगाह रोज तो मर्डर करते तुम बोले मर्डर करते बोला पहले इसको जवान सब उसको बोलो अरे ऐसा ही है थोड़े लोग बगबोट के थोड़े लोग हैं जो उसे औरत से मिले हुए हैं जो इन्हें दरगाह की मुख्य बंदी नहीं है अठारह बार जो बंदी है ना सब जाते सुनिए आप नहीं सुनिए और के क्या है इनके जो ये बच्ची के जो वालिद ठहरे भाई ये जो बच्ची के वालिद थे मेरे बाबा के पीर भाई थे इनके वालिद को मेरे वालिद जो है सज्जादा बनाए इसलिए बनाए कि मोटोबर आदमी है बल्कि उनके सज्जादा बनाए थे इनके वालिद 45 ईयर सज्जादे थे मगर कभी या कोई किराएदार को कोई तकलीफ नहीं दिए ना कभी पुलिस आई 45 ईयर्स में उसके बाद जो है जैसा ये लड़की है ये लड़की राजी हो गई होके यहाँ पर किताबा है हजरत अली रजी अल्लाह तआला उनके हाथ से लिखे हुए ये किताबा बेच लेने के वास्ते वो औरत ये किराएदारों को सता रही इनको सता रही और ये किताबा चाह रही उन्हें खुद हमारे को ये बोली ये किताबा दे दो मैं यहाँ से चले जाती हूँ बस्ती वाले ये बोले हम दरगाह के खादिमा है हम ये किताबा नहीं देते हजरत का मंशा ये था ये किताबा देने का नहीं था यहाँ पर एक ही जमीन पे कोई कब्जा नहीं है हमेशा आके उन्हें ये बोलती कि हम लोग लूट ले रहे हैं या पुलिस और रैन बाजार पीएस के सर्कल साहब को मालूम था एसआई साहब को मालूम था सालों से मालूम था अब ये पीएस चेंज होने की वजह से ये पीएस को नहीं मालूम और इन्हें लड़की होने का पूरा फायदा उठा रही और हम अगर बात करें तो हमारे पे जो है केस बुक करा देती हाथ लगाए कि रेप केस करे ऐसा करती और बात इन्हें इंग्लिश में करती खाली इन्हें इंग्लिश में बात करती और इसका भाई जर्मन में है जो पुराने किताबों का सौदा करते लोग हम बार बार वकबोर्ड में चीख रहे तो वकबोर्ड ये बोला जाइए भाई आप भी मुतवली का डालिए हम डाल रहे हैं फिर उसके बाद हम रो रो के थपे हम 120 साल से खिदमत कर रहे हैं जितने किराएदार हैं यहाँ पर आजकल के नहीं है कोई नया किराएदार नहीं है पुराने किराएदार हैं ये लाइब्रेरी है ये दरगाह रौजतुल हदीस है जिसके अंदर जो है सो वकबोट वाले जो है सो अननेसेसरी जो है सो एक औरत को जो है सो मुतवल्ली बना रहे हैं जबकि औरत मुतवल्ली नहीं बन सकती औरत को मुतवल्ली बना रहे हैं और वो औरत जो है सो यहाँ पर किताबों के लिए आ रही जो वर्ल्ड का तीसरा कुतुबखाना है जिसमें जो है हजरत अली रजी अल्लाह तआला उनके हाथ के लिखे हुए किताबा है वो किताबों के लिए आ रही और बेइंतहा किराएदारों को तंग कर रही और हमारे पे केस बुक कर दे रही औरत रहने का पूरा फायदा उठा रही औरत और जो है कभी यहाँ पर दरगाह पे कोई खिदमत नहीं झाड़ू नहीं कुछ नहीं वकबोट के चंद ऑफिसर से मिलकर पूरे नहीं चंद ऑफिसर ऐसे है जो उसके साथ मिलकर जो है हमारे को तंग कर रहे हैं बारहा तंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आप देखिए यहाँ पर पूरी यहाँ की खिदमत ये पूरे बस्ती वाले 100 साल से खिदमत में किराए में किराएदार है यहाँ पर और जो हमारे हमेशा तंग कर रही है औरत आके ये याकूतपुरा रैन बाजार में दरगाह वाक़े है ये जो है पूरे वर्ल्ड में मशहूर है रौजतुल हदीस जिसके अंदर जो है कलमी नुस्खे है इमाम जाफर सादिक के हाथ के लिखे नुस्खे है हजरत अली रजी अल्लाह तआला उनके हाथ के लिखे नुस्खे है ये बेशकीमती कुतुबखाना है जिसको जो है हथियाने की कोशिश की जा रही यहाँ पर कोई जमीन कोई खुला कुछ नहीं है जो किराएदार है 40-40 गज 50 गज के ऊपर किराएदार है उनके मकाना बनने नहीं दे रही आप जाके देखिए उनके मकाना बनने नहीं दे रही मैं जो है खादिम हूँ मेरे वालिद खादिम थे उससे पहले मेरे दादा थे परदादा मेरी चौथी पीढ़ी में खिदमत कर रहा हूँ यहाँ पर पूरी साफ सफाई झाड़ू देना चिराग सिंगाना
ये पूरे काम हम ही करते हैं। और ये दरगाह शरीफ का जो उर्स होता है, वो औरत का क्या रोल है मुतवली जो बने? ये औरत का जो है सो कोई रोल नहीं है। ये औरत के जो वालिद थे, मेरे वालिद के पीर भाई थे, उनके जो वालिद थे उन्हें भी जो है सो पीर भाई थे, मेरे वालिद भी जो है सो मुरीद थे, दोनों भी इसी दरगाह के मुरीद थे। मगर उन्हें जो है सो वक्बोट के काम देखते थे, जिसकी वजह से, और तभी उन्होंने हमारे कोई तकलीफ नहीं दिया, ना कोई किरायेदार को तकलीफ दिया। पूरे से पूछ सकते, ये औरत सिर्फ किताबों के लिए और किरायेदारों को तंग करने के लिए आके सता रही हमारे, और उन्होंने मुतवली नहीं थे, ना इनके वालिद मुतवली थे। इनके वालिद पठान है, इनका वालिद जो है सो अजीज खान नाम है, और हजरत सैयद है, हजरत जो है इमाम जाफर सादिक की औलादों में से, हजरत जो है फातिमी है, और उन्हें जो है ये बोल रही थी जो है मेरे नाना है और मेरे दादा है। और हमारे पास दरगाह शरीफ पे बोर्ड लगे हुआ है, औरत का यहाँ आना सख्त मना है। आपने शिजरा है दरगाह को? जी हाँ, शिजरा है, पूरी तख्ती लगी हुई है। आज का वाक्य क्या हुआ? आज का वाक्य ये है कि वक्बोट वाले कुछ लोग आके हमारे कने स्टे है, हमारे पास, हम हाईकोर्ट से रुजू हुए, हमारे कने स्टे है, उन्हें यहाँ पर नहीं आना है। मगर वक्बोट के कुछ ऑफिसर्स को लेके आके कुतुबखाना खोलने की कोशिश करे, जिसकी वजह से हमारी पूरी बस्ती और किरायेदार और हमारे मस्जिद के मुसलिया सब जने मिलकर उनको रोके एहतजाज करे, जिसके अंदर हमारी पुलिस भी हेल्प करी, पुलिस भी आके उनको जहां का वहां करे। और हमारे मजलिस के एमएलए साहब लाइब्रेरी वो बोले, उन्हें जो है सो कब्जा करना चाह रहे हैं, किताबा लेना चाह रहे हैं, उन्हें यहां पर कब्जा बताना चाह रहे हैं, उनको हाईकोर्ट में यहां पर का कब्जा बताना है, वो कब्जा बताना चाह रहे हैं। जो कीमती किताबें हैं वो भी आप पूरे किताबों का भी आपको वाकया सुना दिया। ठीक है, परेशान कर रहे हैं हमको, हम यहाँ घर में रहने वाले हैं, कई सालों से रह रहे हम, मेरी शादी करके अम्मी मेरे को सरपरस बन के लेके आए यहाँ पे, इन्हों खुद 65 साल से यहाँ पर है, लेकिन इतना परेशान कर रहे हैं, इतना अजीज भाई जब आते थे आराम से आके आराम से चले जाते थे, कभी किसी को परेशान नहीं करे। जब से उनका इंतकाल हुआ, जब से उन्हें यहाँ से गए, यहाँ पर आकर तदफीन हुई उनकी, लेकिन उनकी बीवी और उनकी बेटी जब से आना जाना शुरू करे, इतना परेशान कर रहे, हम खाना नहीं खा सक रहे, लाखा डाल लेके हमको घर में रहना पड़ रहा, इतना तंग करके रखे हमको, हालांकि हम अब के जब के नहीं है, अम्मी हमारे 80 साल से ये घर में है, हाँ, अम्मी की शादी हो गई, अम्मी यहाँ आए, उम्र गुजार दिए, आज इन्हें आके आज कल कोई इनको मुतवली बना दिए, बल्कि बोल रही और आके इतना परेशान कर रहे, हम खाना नहीं खा सक रहे घर में, कोई नहीं सीईओ बनाए बोल रहे, लेकिन कोई इसका प्रमाण पत्र नहीं है। आज गड़बड़ होने की वजह क्या? उन्होंने आज बगैर किसी के इजाजत के गेट खोल के अंदर आ गए, उन्होंने अंदर, ये बहुत जमाने का कुतुबखाना है, यहाँ पे जो है साल में एक बार आषाढ़े मुबारक होता, जब उसी वक्त आते थे सब, लेकिन आज उन्होंने जब चाहे जब सर उठा के आ जा रही, यहाँ के लोगों को परेशान कर रही, क्या चाह रही, क्या करना चाह रही, कभी कोई सफाई नहीं कराए, कभी कोई अच्छा काम नहीं करे, बस क्या बोले तो लाख डालना है, हमको यहाँ कब्जा करना है, घर वालों को परेशान कर रही, लोगों को रख के लॉक, यहाँ पे अंदर लोग थे जब भी जो है लॉक करके चले गए, अंदर से इतना जोर से आवाज दिए, दस्तक मारे ऐसा, पुलिस वाले जबरदस्ती करके खुलाए तो खोले, आज फिर वही मंशे से उन्होंने आके लॉक डालना चाहे, आज कोई किसी को नहीं बोला, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से सीईओ का आर्डर है, बल्कि इंस्पेक्शन करने वक्बोट के इंस्पेक्टर को लेने के आए, उन्होंने वही जो वक्बोट का एरिया निकल है उसका सपोर्ट ले लेके इतना हुदम मचा रही वो लड़की, समझ रहे, पता नहीं क्या चाह रही, क्या चुराना चाह रही, क्या लेके जाना चाह रही, क्या कब्जा करना चाह रही, घर वालों को भी जो है ना इतना परेशान कर रही, सबको किराया बढ़ाना, हमारे को पैसे देना, मेरे को आमदनी होना ये महलने से, ऐसा बोल के परेशान कर रही है औरत, परेशानी से इतना परेशान है, लोग बीमार हो जा रहे, ऐसे बुजुर्गों को परेशान कर रहे, क्या करना है ऐसे लोगों को। लेकिन हम बहुत परेशान करके रखे पूरे। मेरी शादी हो क्या के 50 साल, मेरे ससुरे 70 साल से थे, 62 साल के रसीदा है मेरे पास, समझ रहे, और ये समझते ही बेटा बदलाव डाले, हम देखभाल करते, हम निगरानी करते, इतना जुलम लॉक डाल के चले गए, इससे पहले हम पार कर जा रहे जुलम की, समझ रहे, वक्बोट से परमिशन लेके घर बनाए हम, इसके बाद की जाइए नहीं है यहाँ पर, मेरा है वरी, सारा एरिया मेरा है वरी, जुलम कर उन्हें वक्बोट वाले मुतवली बनाए, मेरा है पूरा वरी, बनाए बोलो, मुतवली नहीं बनती उन्हें, औरत बनाते भाई, बोलो आप बोलो, पैसे औरत बनती।
कमीशन में करते हैं। सर तो मीडिया में बयान दे रही है, क्या होना बोल रहे, अब क्या होना मालूम, मैं बोलता हूँ, चुनाव भाई चलते भाई होना क्या, हम ये होना है ना, क्या होना है ना, बोल रहे मीडिया Thank you.